हेलो एवरीवन, मैं जो आज आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट की जा रही थी। तो ये एसेंशियल ऑयल की है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये ऑयल स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे कहीं से कट जाए या स्किन पर जो निशान पड़ जाते हैं उसके दाग धब्बे कम करने के लिए, तो ये क्रीम जो मैं आगे क्रीम बताऊंगी उस क्रीम में भी ये ऑयल यूज़ होगा। और आप इसे डायरेक्ट स्किन में अप्लाई भी कर सकते हो, इसकी मसाज कर सकते हो। स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है। तो उस टाइम गेंदे के फूल नहीं हो पा रहे थे, तो अभी मेरे पास गेंदे के फूल हैं काफ़ी मात्रा में। तो मैं फ्रेश अपने यहीं का गेंदे का फूल लिया है इसमें, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं गेंदे का फूल लूँगी। यहाँ पर मैंने एक फूल लिया है गेंदे का, और मैंने यहाँ पर पीनट ऑयल लिया है। तो आप अगर आपके पास पीनट ऑयल नहीं है तो आप इसकी जगह ओलिव ऑयल भी ले सकते हो, ऑलमंड ऑयल भी ले सकते हो। लेकिन मैं पीनट ऑयल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये कलर को भी साफ़ करता है, दूसरा ये है कि ये इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसमें। तो इसमें विटामिन मिनरल्स भी बहुत होते हैं, प्रोटीन भी बहुत होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर पीनट ऑयल ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक कांच का जार चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कांच का जार लिया है। तो यहाँ पर आप एक कांच का जार लेना, और ये ऑयल कांच के जार में ही बनाना है, इसमें प्लास्टिक के में नहीं बनाना आपको। तो इसके लिए हम 80 ml के लगभग पीनट ऑयल लेंगे। यहाँ पर जो मैंने ऑयल में बाउल में डाल के रखा हुआ है, तो बड़ी कैन थी इसलिए मैंने यहाँ पर बाउल में डाल के रख दिया था, तो उसमें बार बार डालने में परेशानी होती, तो मैं आपको इसीलिए बता देती हूँ पहले ही कि क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़े बाउल में डाल के पहले ही रख लिया था, कैन में थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पर हम 80 ml के लगभग ऑयल लेंगे। ये 40 ml का एक है, तो मैं यहाँ पर दो बार डालूँगी इसको। ये देखिए ये 40 ml का है, तो मैं यहाँ पर दो बार यूज़ करूँगी इसे, एक दो। अब यहाँ पर मैं इसको प्योर एसेंशियल ऑयल नहीं कहूँगी, ये एक तरह से गेंदे के फूलों का ऑयल है। तो एसेंशियल ऑयल बहुत ही ज़्यादा वो तो मशीनों से निकलता है, और क्यों उसकी एक दो बूंद ही यूज़ की जाती है एसेंशियल ऑयल की। आप एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई मत करना, इस एसेंशियल ऑयल को किसी भी ऑयल में मिक्स करके तब यूज़ करना चाहिए। तो इसमें ये काम वो ही करेगा, ये एसेंशियल ऑयल का पूरा बस ये है कि इसमें हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वही गुण होंगे जो कि एसेंशियल ऑयल में होते हैं। तो ये नाम के लिए ये एसेंशियल ऑयल है, लेकिन ये गुण वही होंगे सारे इसमें एसेंशियल ऑयल वाले। तो मैं यहाँ पर इसमें गेंदे के फूल डालूँगी, ये गेंदे के फूलों की जो पंखुड़ी है वो डालनी है हमने इसमें। ये यहाँ पर पूरा मैंने एक फूल लिया है, तो हम इसको अच्छे से इसमें इसे इतना ऑयल डालना है जो अच्छे से इसमें ये जो फूलों की पंखुड़ियाँ हैं ये अच्छे से इसमें भी अच्छे से डिप हो जाए इसमें। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको डाल दिया इसमें। इसके बाद हम इसे ढक्कन बंद कर देंगे इसका, और आपको इसे धूप में रखना है, ये ध्यान रखना है आपको इसे 15 दिन के लिए धूप में रखना है। 15 दिन के बाद इस ऑयल को छानना है, और छानकर ये इसी बोतल में कांच वाली बोतल में पलट कर वापस रख देना,
और आपका ये ऑयल रेडी हो जाएगा। इस ऑयल को यूज़ करने का मैं तरीका बता देती हूँ। आप इसको डायरेक्ट स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप फेशियल कर रहे हो, मालिश करनी है स्किन की, तो आप स्किन की मालिश कर सकते हो इससे, और उसके बाद आप कोई भी मेरे जो पैक बता रखे वो पैक यूज़ कर सकते हो। दूसरा ये है कि मैं आपको क्रीम बनानी बताऊँगी, तो आप उस क्रीम में जो भी मैं क्रीम बनानी बताती हूँ उन क्रीम में आप जो ऑयल बताती हूँ मैं डालने के लिए, तो आप ये वाले ऑयल बना कर रख लेना, तो ये आपको आसानी रहेगी क्रीम में मिक्स करने के लिए। तो आप ये ध्यान रखना, तो 15 दिन तक इसे धूप में रखना है, उसके बाद शाम के टाइम अंदर घर में ले आना है, फिर बाहर सुबह के टाइम फिर धूप में रखना है, ऐसे 15 दिन तक करना है आपको, फिर छाया में फिर लाना है अंदर, इसी तरीके से रिपीट करना है आपको डेली। उसके बाद इसको कपड़े की सहायता से छानना है, छानने के बाद वापस इस बोतल में डाल लेना है, फिर आप इसे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, डेली यूज़ करना है इसका। जब कोई चीज़ यूज़ करते हो हर्ब्स को, तो उसको उसका इफ़ेक्ट होने में कम से कम 1 महीने का टाइम चाहिए स्किन पे उसका असर दिखने में। तो इसका असर वैसे जल्दी दिखाई दे जाएगा पहली एप्लीकेशन में ही, लेकिन आपको पूरा फुल इफ़ेक्ट जो चाहता है तो वो आपको 1 महीने में नज़र आना शुरू होगा। तो आप इस ऑयल को बनाकर ज़रूर यूज़ करना, ये जैसे स्किन पर झाइयाँ हो जाती है, पिगमेंटेशन के जो वो हो जाते हैं, निशान हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े काले काले निशान हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो स्किन को धीरे धीरे करके कम करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों रात आपकी बिल्कुल स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके दाग धब्बों को ये कम करेगा, एक्ने के निशान है उनको कम करेगा। और इसके बाद आप इसको, जैसे कोई फेस पैक है, आपकी ड्राई स्किन है, आपको कोई फेस पैक बना रहे हो, तो उसमें आप इसकी 1/3 स्पून मिक्स करके स्किन के ऊपर लगा सकते हो, तो उस स्किन के उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फेस पैक में भी आप मिक्स करके इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसके बाद आपको और भी ऑयल, एसेंशियल ऑयल बताऊँगी, तो आप सारे बना के रख लेना आहिस्ता आहिस्ता करके, तो आप धीरे धीरे करके जितने भी ऑयल बताऊंगी वो बना के रख लोगे, तो आप जैसे आगे मैं कोई भी रेमेडी बताऊंगी यूज़ करने की ऑयल की, तो आपको आसानी रहेगी बनाने में। तो फ्रेंड्स, आप इस ऑयल को बनाकर ज़रूर रख लेना और इस ऑयल को बनाकर ज़रूर यूज़ करना। ये फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करना। आप मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी ज़रूर करना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।